ओके, तो आज हम जाने वाले हैं, एक अच्छी जगह पे लेके जाने वाला हूँ। ये है कैलिफोर्निया में बहुत ही बढ़िया और बड़ी जगह, इसको बोलते हैं सोनामा। सोनामा जाने से पहले रास्ते में आता है सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को किस वजह से फेमस है? गोल्डन गेट की वजह से। यस, तो मैं 4 जुलाई का कुछ परेड दिखाने वाला हूँ आपको, मज़ा आने वाला है। 4 जुलाई को यहाँ पे ये जो देश था वो आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है यहाँ पे, और गोल्डन गेट आने वाला है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप सिर्फ गोल्डन गेट के पहले मज़े लीजिए। तो जो गोल्डन गेट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी रोड हैं बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं, और सब जगह मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे अंगूर जो होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उनके बाग हैं पूरे बड़े बड़े, तो उसी में से ही ये लोग वाइन बनाते हैं, ग्रेप्स में से ही जूस भी बनाते हैं, वाइन्स भी बनाते हैं। और ये एक्चुअली वाइन स्टेट के हिसाब से ही जानी जाती है, ये जो एरिया है वाइन सिटीज़ बोल सकते हो, नापा वैली बोलते हैं इसको या सोनामा वैली बोलते हैं, दो जगह हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं सोनामा की, यहीं पे परेड हो रहा था, मैंने एक दिन पहले पिक्चर लिया, खाली था, ये स्ट्रीट है यहाँ की, कुछ मैंने पिक्चर्स लेके रखी हैं आप लोगों के लिए। ये एक मॉर्निंग में मैं गया, कॉफ़ी शॉप था पीट्स करके, वहाँ पर कॉफ़ी लिया मैंने, काफ़ी बिजी था और बहुत अच्छा था। ये सामने इसी रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, यहाँ पे परेड चल रही है, तो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ परेड की तरफ। ये देखिए लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं रोड के दोनों साइड, वो सामने वाला वही सेंटर है सोनामा सेंटर, जहाँ पे इसको बोलते हैं सोनामा सिटी हॉल, इसके सामने ही चल रहा था ये परेड। बहुत मज़ा आया मुझे देख के, क्योंकि एक तो अमेरिका के झंडे सबसे पहली बड़ी बात वो देखा, लोग देखे ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जो हर एक सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे यहाँ के जो लोकल सरकारी लोग हैं, जो सरकारी अहदे पे हैं या सरकारी काम करते हैं, वो परेड में शामिल होते हैं, जैसे कि जो फौजी हैं, पुलिस वाले हैं। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा एक और हैं जो काफ़ी फेमस बोले जाते हैं, फायर ब्रिगेड्स वाले, और स्पेशली फायर आर्मर्स जो हैं वो भी आएंगे। आगे देखिएगा, तो ये लोग अपनी बंदूकें लेके पूरा प्रदर्शन करते हुए निकल रहे थे। और सुबह सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट 9 बजे का, 8-9 बजे का टाइम था ये, और वेदर तो एकदम ज़बरदस्त था, यहाँ पे देखने लायक था वेदर। एंड यहाँ पे ये स्कूल के बच्चे थे जो कि परेड में शामिल हुए, सोनामा 4th of July परेड। आगे देखिएगा,
बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली मुझे यहाँ पे। मैं इंडिया में कभी अपने स्कूल्स टाइम पे परेड में गया हूँ, बट जो हमारी बड़ी परेड होती है जैसे दिल्ली में होती है यू नो, वहाँ कभी नहीं गया, देखा नहीं है मैंने, बट यहाँ पे ये लोगों ने लोकल बनाया हुआ है तो मज़ा आया देख के। स्कूल डिस्ट्रिक्ट, सनामा काउंटी, वेटरन्स, ये सब मिल के परेड निकाली। ये जो अभी आ रहे हैं ये हैं फायर ब्रिगेड, पहले जो पुरानी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की कैसी होती थी, लोग कैसे आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ लेके जाते थे, ये वो गाड़ियाँ हैं, इनके बाद आएंगी। अभी वो थोड़ा पीछे रुक गए हैं बिकॉज सब लोगों को एक्चुअल टाइम देना चाहिए, मिलना चाहिए, और सब साथ साथ में कुछ लोग बच्चे जो हैं वो लॉलीपॉप दे रहे थे सबको जो साइड में बैठे हुए ना उनको, और फ्लैग्स दे रहे थे, पिन फ्लैग्स होते हैं जो आपके शर्ट पे या टी शर्ट पे लगा सकते हो आप। मुझे भी दो तीन मिले अमेरिकन फ्लैग जो आप अपनी शर्ट पे टाई कर सकते हो। ये हैं फायर ब्रिगेड जो वहाँ के लोकल काउंटी के लोग हैं, लोकल सिटी के लोग हैं वो लोग। इसमें लिखा हुआ मेयर एंड सिटी काउंसिल, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। इसके बाद फिर एक और आएगी, ये भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। देखो साइड में सीढ़ी भी लगी हुई है ना, कि अगर जल्दी जल्दी आग बुझानी है तो सीढ़ी लगाओ और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जाना है। ज़बरदस्त पुरानी ओल्ड विंटेज कार्स हैं, ये भी एक विंटेज कार है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये परेड दिखाऊं। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हुए थे और ये टूरिस्ट प्लेस है इसलिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।